आप सबका एनसीईआरटी वे यूपीसी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी जीवन को जान के हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है, हम बहुत कुछ इनके जीवन से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इनके विचारों को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। देखिए, अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक तमिल मुस्लिम परिवार में तीर्थ यात्रा के दौरान पंबन द्वीप पर रामेश्वरम, जो पहले मद्रास में था और अब वह तमिलनाडु राज्य में है। उनके पिता जो थे एक नाव चालक, पास की एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे। उनकी माता आशिमा गृहिणी थी और अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं और 5 भाइयों 5 बहनें थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम की लाइफ पर इनके पिता का बहुत प्रभाव था। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। कलाम भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज थे वो जमींदार थे, वो बहुत अमीर थे। उन्होंने उनके लिए बहुत सी जमीन छोड़ रखी थी। उनका मुख्य व्यवसाय श्रीलंका से अनाज का व्यापार करना और रामेश्वरम आए तीर्थयात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। जैसा कि रामेश्वरम से पंबन और परिणामतः उनके परिवार को एक नया शीर्षक मिल गया, जो तमिल में बोला जाता था मरा कलाम अयक्र, इसका मतलब होता है लकड़ी की नाव से मार्ग दिखाने वाला, और बाद में यह नाम छोटा होके मरकैयर बन गया। मुख्य जगह पर 1914 में पंबन पुल के उद्घाटन के साथ ही उनके परिवार का व्यापार भी जो है पूरी तरीके से बंद हो गया और समय के साथ साथ उन्होंने अपनी सारी जमीन भी खो दी। उन्होंने अपने पुराने घर से भी अलग हो गए थे। कलाम के बचपन में ही उनका परिवार बहुत गरीब हो गया था और अब्दुल कलाम ने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो जारी रखने के लिए अखबार बेचने का काम किया था। वो घर घर जाकर अखबार वितरित किया करते थे, अखबार डिस्ट्रीब्यूट किया करते। उनके स्कूल के टाइम में कलाम को एक साधारण विद्यार्थी कहा जा सकता था, लेकिन साथ ही उन्हें एक होनहार, होशियार और कड़ी मेहनत करने वाला विद्यार्थी इसके रूप में भी जाना जाता था। साथ ही सीखने की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी, वो घंटों तक पढ़ाई करते, खास करके गणित, जो मैथ थी उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, और स्पोर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो रामनाथपुरम से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में कलाम जो थे तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज पढ़ने के लिए गए और फिर मद्रास यूनिवर्सिटी की शाखा से 1954 में उन्होंने भौतिक विज्ञान से जो है ग्रेजुएशन की और उसके बाद में ही 1955 में वो मद्रास गए। जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग की, उसके बाद में कलाम जो है आगे की फर्दर स्टडी के लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वहाँ के जो डीन थे उनकी प्रगति से बहुत नाखुश थे और उन्होंने कलाम को स्कॉलरशिप दी जाती थी उसको रद्द करने की धमकी भी उनको दी थी और 3 दिनों में सही तरह से प्रोजेक्ट बनाने को उनको कहा। इस समय कलाम अपनी अंतिम रेखा पर थे, ये समझा जा सकता है, लेकिन आखिर में उन्होंने डीन को खुश कर ही दिया और जो कॉलेज के डीन थे उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों और बाधाओं में डाल दिया था। वह अपने सपने लड़ाकू पायलट बनने से थोड़े से चूक गए थे। वो एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, फाइटर जेट उड़ाना चाहते थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। परीक्षा में 9th नंबर पर आए थे और केवल 8 सीटें जो थी वही वेकेंट थी, 8 सीटें खाली थी और 9th नंबर पर आए थे। वो IAF पायलट नहीं बन पाए। हालांकि यही कलाम बाद में जाके तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ बने। देखिए, आगे जो है IAF में केवल 8 ही सीटें खाली थी तो वो नहीं बन पाए, उनका स्थान 9वां आया था। कलाम ने 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से
अंतरिक्ष विज्ञान में जो है ग्रेजुएशन की डिग्री ली। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद में उन्होंने हॉवरक्राफ्ट एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जो DRDO है उसको ज्वाइन कर लिया, जो भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें वर्क किया। 1962 में वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गए, जो इसरो है उससे जुड़ गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट महानिधि से प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में वहां पे अपॉइंट किया गया था। और भारत का पहला जो स्वदेशी उपग्रह जो था SLV-3 उसको सफलता से ऑर्बिट में पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। इस प्रकार भारत भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का एक सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें दिया जा सकता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं उसको डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि सीरीज की मिसाइल को डिजाइन किया और उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे जो प्रक्षेपास्त्र थे, जो हथियार थे, उसको स्वदेशी तकनीक से बनाया। डॉक्टर कलाम 1992 से जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी रहे थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इस प्रकार पोखरण में दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 1982 में भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान में वे वापस निदेशक के तौर पर आए थे और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल की डेवलपमेंट पर फोकस किया था। और अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का इन्होंने बहुत अच्छा सफल प्रक्षेपण भी किया, को श्रेय दिया जा सकता है उसका बहुत बहुत हद तक। जुलाई 1992 में जो रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अपॉइंट हुए थे। उनकी देखरेख में ही 1998 के अंदर भारत ने अपना सफल पोखरण जो टेस्ट था वो किया था। और भारत भी जो है कुछ ही जो कंट्रीज थी जिनके पर एटॉमिक पावर न्यूक्लियर पावर कंट्री थी उनमें शामिल हो गया उस क्लब। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है बाद में जाके इंडिया के 11th नंबर प्रेसिडेंट बने और भारतीय जनता पार्टी जो थी, जो NDA अलायंस था, उन्होंने इनको प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेट किया था और ये 11th नंबर प्रेसिडेंट बने थे। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम को 90% बहुमत के साथ भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया और इन्होंने 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में, जो अशोक हॉल है संसद भवन में, वहीं पर राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ये जो छोटा समारोह हुआ था संसद समारोह, इसमें प्रधानमंत्री उस डिवीजन में जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके काउंसिल मिनिस्टर्स के सदस्य और काफी ऑफिसर्स जो थे वो उपस्थित थे वहां पे। 25 जुलाई 2007 को इनका जो टेन्योर था वो पूरा हो गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन। उन्होंने अपनी जीवनी एक लिखी, जो बायोग्राफी लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, जो यूथ है उसके लिए बहुत एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, इंस्पायरिंग बुक है विंग्स ऑफ फायर। उनकी जो सेकंड बुक थी गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये इनके जो स्पिरिचुअल विचार हैं, इनके जो खुद के विचार हैं, उस बुक से हमें बहुत जानने को मिलते हैं। इन्होंने तमिल भाषा में बहुत सारी कविताएं लिखी थी। ये भी ध्यान देना जाना चाहिए यहाँ पे कि कई दूसरी कंट्रीज में भी इनकी जो बुक्स थी उनकी बहुत डिमांड थी। ऑफिस छोड़ने के बाद में कलाम साहब जो थे वो भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान जो थे अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, IIM शिलोंग और IIM इंदौर, वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो, वे विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत में कई अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सहायक के रूप में इन्होंने वर्क किया। फिर उसके बाद में भी उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाया भी।
मई 2012 में कलाम ने भारत के युवाओं के लिए कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने के एक केंद्रीय विषय के साथ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ का शुभारंभ किया। इन्होंने तमिल कविता लिखने, चन्नी वेन्नी नामक दक्षिण भारतीय स्ट्रिंग वाद्य यंत्र को बजाने का भी आनंद लिया। कलाम कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे और हिंदू संस्कृति में बहुत विश्वास रखते थे। इन्हें 2003 में 2006 में एमटीवी यूथ आइकन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। 2011 में एक फिल्म आई थी आई एम कलाम, उसमें एक गरीब लेकिन एक उज्जवल बच्चे पर कलाम के पॉजिटिव जो उस बच्चे पर जो इम्प्रेशन पड़ा था उसको दिखाया गया। 2011 में जो फिल्म आई थी आई एम कलाम, इनकी जीवनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे एक साधारण घर से निकला हुआ बच्चा कितनी ऊंचाई पर, कितनी बुलंदियों पर पहुंच गया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम जो थे आई एम सिलोंग में एन लिवेबल प्लान पर एक अपना स्पीच दे रहे थे और उसी दौरान इन्हें एक कार्डियक अरेस्ट आया और ये बेहोश होकर गिर गए। और लगभग 6:30 बजे इन्हें काफी क्रिटिकल सिचुएशन में बैथोनी हॉस्पिटल में ले जाया गया, आईसीयू में ये रहे और 2 घंटे बाद में ही डॉक्टर्स ने इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी। और इस तरीके से एक महान व्यक्तित्व हम सबको छोड़ के चला गया। लेकिन इनके जीवन से हम बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, बहुत कुछ प्रेरणा। इनके जो विचार हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ। आइए हम भी इनके विचारों से कुछ सीखें, इनके विचारों को समझें और इनके उन विचारों को अपने लाइफ में फॉलो करने के प्रयास करें। यही हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप आपको अब्दुल कलाम की ये जो ब्रीफ बायोग्राफी सुनकर काफी कुछ इनके बारे में जानने को मिला होगा और इनसे हम कुछ सीख के, कुछ समझ के इनके डिसिप्लिन को हम अपने लाइफ में भी उतारने की कोशिश करें, इनके विचारों को भी, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।